अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहबाज सनम, सन ऑफ सिकंदर सनम, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारी एक एकेडमी में जहाँ मेरे सारे दोस्त यार तमाम आर्टिस्टों के बच्चे हमें मौजूद हैं। शराबिल सिद्दीकी यहाँ मौजूद है, आमिर रैम्बो के बेटे शहबाज मौजूद है, जाकिर मस्ताना का बेटा अली मौजूद है, मेरा दोस्त जुनैद मेमन, मेरा छोटा भाई, मतलब सारी हमारे गदीन आर्टिस्टों के बच्चों के आज मौजूद है। तो मेरे वाला क्यों ना इनके साथ एक वीडियो की जाए, इन सबसे सुनेंगे दो दो जुगत, जिसकी जुगत सबसे अच्छी हुई ना 5,000 रुपये उसको दे देंगे अपनी तरफ से, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले मैं आई हूँ भाई मेरे दोस्त के पास जुनैद मेमन के। जुनैद क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप ठीक हो भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। जुनैद देख, मैं कर रहा हूँ एक कंपटीशन है, ठीक है ना, यहाँ सारे आर्टिस्टों के बच्चे भी मौजूद हैं, सारे दोस्त यार मौजूद हैं, ठीक है ना। तो तू दो कोई जुगत सुना ऐसी जबरदस्त, मुझे तो ऐसी आया, ऑडियंस को भी ऐसी आया। 5,000 रुपए 5,000 रुपए अबे चाचा, तुम्हारे इनके साथ बैठ के मुझे जुगते याद आएगी चिप्स पे लड़ने मेरे से। अब इतने मासूम है, पहले मुझे बोलेंगे तू चिप्स निकाल, मैंने कहा आप बड़े आप निकालो। इतने मासूम है, मोबाइल तो इन्होंने खरीद दिया है इन्हें, लेकिन चलाना नहीं आता। मैंने सिर्फ इनसे ट्राई के तौर पे पूछ लिया कि चाचा ये बताओ व्हाट्सएप और बच्चे की चड्डी में क्या फर्क है, तो ये क्या बोलने? क्या कुछ नहीं, हर 2 मिनट बाद चेक करना पड़ता है कुछ आया तो नहीं है। चाचा क्यों चेक करते बार बार, हालात ऐसे चेक करना पड़ता है, हमें तो याद नहीं, हमें तो याद है ना। दूसरी जुगत क्या बताओ? अच्छा बच्चों पे यार, बच्चे भी हम लोग बहुत तंग कर रहे थे, हम चिप्स खा रहे, बच्चे बार बार छीन के जा रहे बच्चों। अब मैंने जाहिल और पढ़े लिखे बच्चों में बड़ा फर्क देखा है। क्या अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, पता चल गया, जब पढ़े लिखे बच्चे आपस में मिलते हैं उनकी बातें ही अलग होती है। हे ब्रो दिस इज माई कार, दिस इज माई बाइक करते हैं, और जब जाहिल बच्चे आपस में मिलते हैं उनकी बातें ही अलग होती है, उनकी हरकतें अलग होती है। जाहिल बच्चे आपस में मिलकर कहते हैं चल छठे वाले पे जाके थूक फेंकते हैं, देखते हैं किसका पहले नीचे जाएगा। भाई बात तो बिल्कुल अच्छी करी, किसके नीचे कौन सा थूक होता है, बलगम वाला तो नहीं होता। अब वो बच्चों को ही पता, ये देखो जुनैद मेमन इनके दो जो हो गई। चलते हैं शहबाज रैम्बो के पास। भाई मैं आ गया हूँ शहबाज रैम्बो के पास, और शहबाज मेरे दोस्त क्या हाल है? और ये है अली मस्ताना, जाकिर मस्ताना साहब के बेटे हैं, हमें रैम्बो भाई के बेटे हैं ये। यार देखो मैं कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन, ठीक है ना, सारे गैदरिंग हमारे यहाँ पे मौजूद है, सारे आर्टिस्टों के बच्चे भी मौजूद है। अभी जुनैद मेमन से सुनिए मेरे दो जुगते हैं, सबसे अच्छी जिसकी दो जुगत होगी 5,000 रुपए उसको। अच्छा 5,000 रुपए नाम है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे सच्ची, अबे मिलेंगे सच्ची, अभी एक्टिविटी करके कमाए। अली में मार दे। अरे यार ये जो बंदा है ना अली, एक दफा जहाज में जाए ना इसके लिए माहौल एक जैसा रहता है, घर का भी जहाज का भी, पता है कैसे? कैसे वहां पे भी कोई मुंह नहीं लगाता, घर पे भी नहीं लगाता। अली ऐसी बात है, अरे ऐसे बंदे ना आईने भी नहीं पहन सकते, क्यों गर्दन ही नहीं है। अली क्या नहीं, तो एक बार शहबाज पब्लिक टॉयलेट में चला गया, बाहर आके उसको 5 रुपए दे रहा है, उसका हाथ पकड़ के अंदर ले गया, कह रहा है ईमानदार से होता है 5 रुपए वाला काम है। सही तो बोला, सही बोल रहा है। अली मस्ताना और शहबाज चलते हैं अब पहले मेरे भाई के पास चलते हैं, सुहेब के पास। 5,000 भाई सारे यहाँ मौजूद, मैं भी यहाँ मौजूद, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे भाई सुहेब के पास चलते हैं, सुहेब दो जुगते कौन से सुनाते हैं? आ जाओ सुहेब, सुहेब 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 का लुक थोड़ा बहुत मेरा अब्बू वाला लगता है सुहेब, जुले जुले लाल हो जाए जरा, कैसे? अरे बाबा जुले जुले लाल कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, सेवन जो सखी शहबाज कलंदर, हक जुले जुले। वाह वाह भाई, जैसे अभी आप लोगों ने देखा ना रिसेंटली एक वीडियो काफी वायरल हुई है अब्बू की, जमालो जमालो, कॉपीराइट क्लेम में समझ नहीं आ रहा कितने करोड़ का करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जुनैद अगर जमालो जमालो याद नहीं अब्बू का? अरे जमालो 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 भंबो, अरे जमालो 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 भंबो, अरे देख बलम मौसम है कितना सुहाना, देख बलम मौसम है कितना सुहाना, इंसानों के है बीच में ये गधा पुराना, होए जमालो जमालो। भाई की बेइज्जती कर रहा, भाई की बेइज्जती कर रहा। अच्छा सुहेब अब ये होता है, ये जुगत कैसी थी? 5,000 दो जुगतों की बात हुई ना, दूसरी पहले गाना सुना ना, गाना नहीं जुगत भी होनी चाहिए ना उसके अंदर। इसका मुंह देखो, अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं लग रहा एक्सपायर सेलेंटी पापड़। बहुत अच्छे फंक्शन वाली बातें कर रहा है, फंक्शन वाली बातें कर रहा है। अच्छा भाई ये जुगत भी जुगते थी, ये तो घर का बंदा है, इसको तो लाइबारी मिलेगी अगर इसकी अच्छी हुई तो। बाहर चलते हैं, एक प्लेयर बताओ 5,000 है जब में है, 5,000 जब में है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी कंगल नहीं हुई यार, 5,000 है जब में, ठीक है। अब चलते हैं भाई शराबिल सिद्दीकी के पास, शकील सिद्दीकी, शकील अंकल के बेटे, जिसको आपने बोल में देखा होगा, बहुत बोलता है भाई, आज इसको चेक करते हैं कितना बोलता है, ठीक है ना। शराबिल शराबिल कौन हो, किस चैनल से बंद करो, बंद करो किस चैनल से, बहुत अट्ठी आरपी ऐसी आएगी तेरी जान से बोल भी नहीं आती होगी। शराबिल है, शराबिल भाई ये है कि सारे हमारे दो चार मौजूद है ना, सारे आर्टिस्ट के बच्चे भी है, तू भी, हम भी है। अब मैंने बाकियों का नहीं पता, मैं तो हूँ, नहीं बाकी भी है घूम रहे। हमने करना ये है कि भाई मैंने करा झुकतों का मुकाबला, सबसे सुनिए दो दो झुकते सही है, दो झुकते किसी एक की भी अच्छी होगी ना, 5,000 रुपए सिकंदर सनम ऑफिशियल की तरफ। नहीं यार बहुत अच्छा लड़का शहबाज, पहले तो उसके लिए क्लैप होनी चाहिए। कितनी कितनी कितनी? 5,000 दो झुकते इसका, दो से याद होंगे इसने सबके अब्बाओं की याद की।
मैंने सबके अब्बाओं की याद की हुई है क्योंकि इनके अब्बाओं ने भूले में क्या औलाद दी हुई है। लड़का पहले तो मैं तेरी तारीफ कर दूं यार, थैंक यू, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके गर्लफ्रेंड है, इसके गर्लफ्रेंड ने इसको तो बद्दुआ दी, या अल्लाह पाक इसके फुप्पा मर जाए, अगले दिन मोहल्ले के छह सात आदमी मर गए वो अलग बात है यार, ये मेरा भी जुगत कर दिया दूसरी कोई। और दूसरी ये कि यार बहुत अच्छा आदमी, एक दफा बीमार हो गया ना उसका मोशन लगे लूज मोशन, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आप एक हफ्ते तक ना नींबू का इस्तेमाल करें। उन्होंने छह दिन नींबू का इस्तेमाल किया, सातवें दिन डॉक्टर के पास चला गया, कह रहे डॉक्टर साहब छह दिन नींबू का इस्तेमाल किया, आठ नींबू निकाला, मोशन फिर शुरू हो गया। कसम खुदा की ये यकीन करें, ये भी बड़ा बेरोजगार था एक टाइम में ना। अच्छा शकील अंकल ऐसी मिठाई की दुकान खोल के दी थी, मिठाई की दुकान तो जो खोल के देता दिल लगा के दुकान काम धंधा करना, चला ठीक है अब्बा मैं दिल लगा के काम करूंगा। अब शकील अंकल ने बोला मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूँ, तू एक भी मिठाई उठा के खाना मत। बोला नहीं अब्बा बेफिक्र होकर जाओ, मैं एक भी मिठाई उठा के नहीं खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद शकील अंकल वापसी दुकान पे, ऐसे पूछा भाई तूने एक भी मिठाई उठा के खाई तो नहीं? बोला नहीं अब्बा मैंने सारी चूस चूस के रख दी। बहुत अच्छा, इतना बड़ा जाहिल है, अपने मामू की कब्र ना लोग ऐसे खुदवा दे ना, इसने ऐसे खुदवा दी। मैंने बोला अभी ये क्या है, सब ऐसे खुदवा दे, तूने ऐसे ही खुदवा दी। बोला वो असल में ना उनको ना सबसे खड़े होकर मिलने की आदत है। अगर ये नहीं होता तो जुगत किस पे करता? बोल वाले कंटेस्टेंट पे। इतना बड़ा जाहिले चुड़िया घर चला गया, वहां एक बंदर खुजली कर रहा है, उसे जाके मशवरे दे रहा है, अभी वो फकीरी मलम लगा। देखे बंदर ने खुद इंटरव्यू दिया, बहुत शरीफ लोग है ये लोग, इनके वहां इनकी जाती औलादे होती नहीं है। तो क्या मतलब, क्या मतलब तेरा जाती नहीं होती? शरीफ है ना, शरीफ है। हमारे साथ मौजूद, आपका नाम क्या? वैसे हुसैन सनम। तो ये आपको एक गाना सुनाएंगे ऐसा जाते जाते जो आपने कहीं नहीं सुना, क्योंकि वो रिलीज हो ही नहीं सकता। कौन सा गाना होगा? कोई गाना सुना दे, कुछ गुनगुना दे जो आपने अपनी माशूका को देख के पहली दफा गाया हो। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। इस गाने में शायर इतनी लंबी फेंक रहा है, मर के भी तुझे चाहूंगा, अरे इनको खुद कीड़े पड़े होंगे। बहुत अच्छा गाना गाया आप, जरा इसके बाद मुझसे मिलिएगा वहां कौन है, क्यों मिलेंगे? ये क्या बदतमीजी है भाई, कुछ नहीं कोड़े मारेंगे आपको। एक आर्टिस्ट सकुटा जिन और अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ये और ये है जॉनी लीवर के अब्बू। तो नहीं भाई, नहीं भाई, बुरी बात यार। अच्छा। फेरे लवली का ऐड किया इन्होंने, बिफोर वाला, बिफोर वाला। माशाल्लाह नदीम भाई, आप कॉमेडी करोगे या गाना सुनाओगे? मैं कॉमेडी करूंगा। कॉमेडी करोगे? चलो और चुप रहना आप सभी, नदीम भाई कॉमेडी करेंगे। चलो नदीम भाई कुछ ऐसा करो कि हम लोग लोट फोड़ रहे हैं। ये क्या करूं मैं, टॉयलेट कर दो। तुम कुछ बोल, चलो दिल दिया है जा भी देंगे ऐसे बात हम तेरे डर गया। हमने क्या मुकाबला, हम सब बराबर है। देखो देखो कह रहा 5,000 यहाँ रखो, जिसने पहले उठा लिया इन दोनों में से 5,000 उसके पहले। अच्छा भाई शहबाज ने ये फैसला किया है कि 5,000 तो कुछ भी नहीं थे, हम सब ने मिलकर 5,000 डाले। अब पर्स में पैसे, तो ये पर्स हम रख रहे हैं यहाँ पर, और मुकाबला जो हुआ है दो लोगों में, एक नदीम भाई में हुआ है और एक समझदार आदमी से रखो, और एक किसमें हुआ है? हुसैन सनम में हुआ है। जो ये पर्स पहले उठा गया ये बटवा उसका। आजो भाई आजो, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। ये भाई जो विनर थे उनको वो इस मुल्क में ये हो रहा, जो ऐसे रखदार है उनको अपना आगे मिला, तो उससे छिन छिन के भाग रहे हैं। बाली ने भागा भी, भागा जुगत ही नहीं मारी, जिसने जुगत ही नहीं मारी। बगल में आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं चाहूंगा मेरे सारे दोस्त मिलकर बोलेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो भाई आज बड़ा मजा आया तेरे साथ टाइम स्पेंड करके, तूने पैसे भी दिए, अब हम खाना खाने जा रहे हैं। जब तक आप अभी जाए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो भी करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। पेज का नाम क्या है? सिकंदर सनम ऑफिशियल।